सरकार का सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट आशा किरण करके एक होम चलाता है। ये होम है फॉर इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड पर्सन्स। इसमें 980 इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड पर्सन्स रहते हैं जिनकी डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी अलग अलग कैटेगरी की है, जिसमें माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर, प्रोफाउंड अलग अलग कैटेगरीज की इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। जो सिवियर और प्रोफाउंड कैटेगरी की इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है उसके साथ ज़्यादातर केसेस में कोई ना कोई सीरियस कोमॉर्बिडिटी यानी अनेक प्रकार की फिजिकल एलिमेंट्स भी जुड़ी हुई हैं। जो सिवियर और प्रोफाउंड कैटेगरी के इंटेलेक्चुअली चैलेंज पर्सन्स हैं उसमें से काफ़ी परसेंटेज बेड रिडन भी रहते हैं और 100% सपोर्ट की रिक्वायरमेंट रखते हैं। आशा किरण होम में 24/7 मेडिकल केयर यूनिट है जिसमें 6 डॉक्टर्स और 17 नर्सेज हैं। वहाँ पर फुल टाइम केयर गिवर्स जिनको हाउस आंटीज के नाम से जाना जाता है, 450 ऐसे केयर गिवर्स हैं जो 3 शिफ्ट्स में काम करते हैं। जो इस होम में इंटेलेक्चुअली चैलेंज पर्सन रहते हैं वो ज़्यादातर अबैंडन्ड डेस्टिट्यूट पर्सन्स हैं जिनको कई बारी अलग अलग एजेंसीज, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे कोर्ट के माध्यम से जिनको, या मैजिस्ट्रेट्स, डीएम्स के माध्यम से जिनको अगर अबैंडन्ड और डेस्टिट्यूट पाया जाता है उनको होम में लाया जाता है। ये खबर सामने आई है कि जुलाई के महीने में आशा किरण होम फॉर इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड पर्सन्स में 14 डेथ्स हुई हैं। इसमें से 13 एडल्ट्स हैं और 1 माइनर है। इन 14 डेथ्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स अभी अवेटेड हैं, लेकिन इनमें से जो 14 डेथ्स हुई हैं उसमें से जो कई इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड पर्सन्स हैं उनको मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज भी थी। लेकिन ऐसी 14 डेथ्स एक महीने के अंदर अंदर होना बहुत ही गंभीर, बहुत ही सीरियस मैटर है। और इन डेथ्स में इंक्वायर करने के लिए जैसे ही ये खबर आई तुरंत एक मैजिस्टीरियल इंक्वायरी इंस्टीट्यूट कर दी गई है। 24 घंटे के अंदर अंदर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट, मैजिस्टीरियल जो मैजिस्टीरियल इंक्वायरी है उसकी डेडलाइन दी गई है। अगर इस मैजिस्टीरियल इंक्वायरी में किसी भी अफसर की, चाहे वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो नर्स हो, चाहे वो केयर गिवर हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर हो, अगर किसी भी अफसर की लापरवाही निकलती है तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। मैं दिल्ली के लोगों को ये भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि अगर निकला कि इनमें से कोई भी डेथ अवॉइडेबल रीजन से हुई है, किसी कोई भी डेथ नेग्लिजेंस के कारण से हुई है, कोई भी डेथ अगर किसी मेडिकल कारण जो अवॉइडेबल थे उनके कारण से हुई है, तो किसी भी अफसर को बख्शा नहीं जाएगा। उनके ऊपर सरकारी कार्रवाई के अलावा सरकार खुद पुलिस इंक्वायरी, पुलिस प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करेगी। हम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स अभी अवेट कर रहे हैं और 24 घंटे के अंदर अंदर मैजिस्टीरियल इंक्वायरी की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई करी जाएगी।